हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सपेक्टेड कटऑफ के लिए है कि सब जो एग्जाम हुआ था गेट 2023 का सब्जेक्ट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का, तो आज हम इसकी एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में जानेंगे कि कितनी एक्सपेक्टेड कटऑफ जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड कटऑफ जानने से पहले कुछ प्रीवियस ईयर की कटऑफ के बारे में जान लेते हैं कि 2020 में जो जनरल ईडब्ल्यूएस को देखिए आपके सामने दे भी रखी है कि 2020 में जो जनरल ईडब्ल्यूएस की गई थी वो 39.8 गई थी, ओबीसी की 35.8 गई थी और वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों की 26.5 गई थी। 2021 में जो जनरल ईडब्ल्यूएस की गई थी वो 51.4, ओबीसी की 47.1 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 34.9 गई थी। तो वहीं 2022 में जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ गई थी वो जनरल ईडब्ल्यूएस वालों की 37.8 गई थी, ओबीसी की 34 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 25.1 गई थी। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है जो मैंने आपको बताई है और अब हम आप जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 की कितनी जा सकती है। तो ये रही आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 की, जो जनरल ईडब्ल्यूएस वालों की है वो 41 से 44 के बीच में जा सकती है, ओबीसी की 38 से 42 के बीच में जा सकती है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 26 से 30 के बीच में जा सकती है। तो ये जितना भी डेटा है ये हमने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बेस पर और स्टूडेंट रिव्यू के बाद बनाया है। तो और भी जितने बच्चों ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था वो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अपने रिव्यू दे सकते हैं कि उनका एग्जाम कैसा था, कैसी कट ऑफ जानी चाहिए, जिससे हम आपको एक और हाईली एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाएंगे। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।